माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, टेबल भी सामने आ चुका है। 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये टाइम टेबल जारी किया है 10वीं और 12वीं का। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी। बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर सरकार ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि छात्र हमारी इस बार परीक्षाएं कब से स्टार्ट होगी। जी हाँ, इसको लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा कर दिया और बता दिया कि इस दिन आप सभी की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। ये सरकार की तरफ से बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। काफ़ी सारे छात्र उनका काफ़ी लंबे वक्त से हमारे पास भी मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होगी, लेकिन अब सरकार ने इसकी जानकारी सभी को दे दी है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में विद्युत के साथ में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अपने बोर्ड और राज्य के नाम भी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई नोटिस आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जी हां, आपसे बता दें, बोर्ड की परीक्षाओं के छात्र काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे आखिरकार हमारी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होगी, ताकि हम अपनी तैयारी है वो तेज कर पाए। जी हां, सरकार ने सभी राज्य के बोर्डों को लेकर ये ऐलान कर दिया कि 15 फरवरी से आप सभी की जो परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले बात करें तो सीबीएसई की इस बार सबसे पहले और बिहार बोर्ड की सबसे पहले इस बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, यानी 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बात करें अन्य बोर्डों की, तो उनका मानना है कि लगभग फरवरी एंड से सभी बोर्डों की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। ये सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया है और सभी को ये डेट जारी कर दी गई। इस बार आप 15 फरवरी से अपनी परीक्षाएं मानकर चलिएगा, क्योंकि आपके इस बार 15 फरवरी से ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे लगभग सभी राज्य के बोर्ड को लेकर। ये सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस पर आपसे फिलहाल क्या रहा है कि सरकार की तरफ से डेट का ऐलान किया गया है उसको लेकर आप कितने सतर्क है और कितने आप पढ़ाई अपनी तेज कर चुके हैं, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।